वेलकम फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, माने बात क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। चार बातें हमारे सामने आती हैं और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या क्या है, यानी लर्निंग क्या है, एजुकेशन क्या है, टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, और इससे मिले जुले सवाल बहुत सारे हमारे सामने आते रहते हैं। तो मैं इस वीडियो में इन चारों को एक्सप्लेन करूंगा और डिफरेंशिएट भी करके आपको दिखा दूंगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एजुकेशन। सो एजुकेशन इज अ ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। चार बातें हैं हमारे पास, हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम स्किल एक्वायर करते हैं, हम वैल्यूज एक्वायर करते हैं और एटीट्यूड्स एक्वायर करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्लीज़ हर शब्द को और समझिए, डिक्शनरी में जाइए, चिंतन मनन कीजिए, समझिए, तो जो सवाल आ रहे हैं उनका आप बढ़िया से जवाब दे पाएंगे। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फॉर्मल स्कूलिंग। जो एजुकेशन है वो खाली स्कूलिंग से जुड़ी हुई नहीं है, वो तो चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग है। तीसरी बात है, इंक्लूड्स ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू आउट लाइफ। कुछ भी सीखा, कुछ अनुभव हुआ, अपना हुआ, दूसरे का हुआ, इससे हमें शिक्षा मिलती रही, एजुकेशन मिलती रही। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तीन बातें हमें सिखा रही है एजुकेशन। एक, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है फिर से कहीं और समझेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, हम कैसे सॉल्व करते हैं। और डिसीजन मेकिंग, जब भी हमारे सामने कोई दोराहा है, हम कहाँ जाएं, तिराहा है, चौराहा है, कोई डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, तो हम कैसे डिसीजन लेते हैं, ये हमें एजुकेशन सिखाती है। इट एम्स टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं है, समाज का भी सवाल है, तो समाज के लिए मैं कैसे तैयार हो रहा हूँ, एजुकेशन मुझे तैयार करती है। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ सोशल, इमोशनल एंड एथिकल वैल्यूज। तीन तरह के वैल्यूज हैं, वैसे तो वैल्यूज बहुत तरह की हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशन तीन तरह की वैल्यूज पर ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है, सोशल, इमोशनल एंड एथिकल। वैसे हर वैल्यू एजुकेशन से आती है। ये तो हुई बात एजुकेशन की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन तो जनरल हो गया, किसी के लिए भी एजुकेशन है, टीचर के लिए भी है, टॉट के लिए भी है। टीचिंग क्या है? टीचिंग तो टीचर के लिए है, मेंट फॉर टॉट, स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है और टीचर देगा। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट इम्पार्ट्स नॉलेज, स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स आ रही हैं एजुकेशन से, और कहाँ से टीचर दे रहा है, वो इम्पार्ट कर रहा है नॉलेज, स्किल एंड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है? जनरली एसोसिएटेड विद फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस इन अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट। नॉलेज हम लाइफ लॉन्ग कर रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, लेकिन टीचिंग जो हो रही है वो फॉर्मल सेटअप में हो रही है और स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट में हो रही है। इट्स फोकस ऑन डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट्स मैटर एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई सब्जेक्ट है, कोशिश अध्यापक की क्या है कि वो सब्जेक्ट चला जाए, वो सब्जेक्ट पे बात पूरी हो जाए। और कैसे होगा? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे पास कोई सूचना है, मैं आपको दे रहा हूं। कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल्स। बाय एंड लार्ज जो एकेडमिक नॉलेज है, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज है और एक एकेडमिक नॉलेज है, तो टीचिंग बाय एंड लार्ज एकेडमिक नॉलेज से जुड़ी हुई है और स्किल्स बताती है, फिर करिए, कैसे करिए, फिर करके देखिए, इसमें क्या दिक्कत आई, तो आप और क्या कर सकते हैं। प्राइमरली फोकस ऑन द क्लासरूम सेटिंग एंड एकेडमिक कॉन्टेंट, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। यानी दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, दिस इज एजुकेशन, एंड टीचिंग इज इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड फॉर्मल स्कूलिंग, एंड दिस इज जनरली एसोसिएटेड विद द फॉर्मल प्रोसेस, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस एंड अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट। यानी औपचारिक रूप से ही ये हो पा रहा है, ये तो जीवन पर्यंत चलेगा। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन में इट इंक्लूड्स ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू आउट द लाइफ। सारे जीवन हम सीखते रहते हैं, निरंतर सीखते रहते हैं।
और टीचिंग फोकस ऑन द डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. दोनों में बहुत फर्क हो गया, ये लाइफ लॉन्ग टीचिंग नहीं हो रही है. एजुकेशन स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स. टीचिंग कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल्स. ये सारी स्किल्स कहाँ से आए? टीचिंग से आए. टीचिंग से हुआ क्या? नॉलेज मिली. नॉलेज काहे की मिली? स्किल्स की मिली. क्या होगा? डेवलप होगी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. फिर पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? एम्स टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. और टीचिंग का पर्पस क्या है? प्राइमरली फोकस ऑन द क्लासरूम सेटिंग एंड एकेडमिक कॉन्टेंट. वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन ये इन्वॉल्व करती है डेवलपमेंट ऑफ सोशल, इमोशनल एंड एथिकल वैल्यूज. और जबकि टीचिंग कर रही है ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल, इमोशनल एंड एथिकल वैल्यूज. दोनों में सोशल, इमोशनल एंड एथिकल वैल्यूज की बात है, लेकिन यहाँ हम डेवलप कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहा है, और यहाँ हम इम्पार्ट कर रहे हैं. तो मित्रों, ये तो हुई बात एजुकेशन की और टीचिंग की. अब आइए देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस. टीचिंग में इंस्ट्रक्शंस होंगे. टीचिंग क्या कर रही है? एकेडमिक नॉलेज और स्किल्स को ट्रांसफर कर रही है. कैसे कर रही है? इंस्ट्रक्शंस के थ्रू. यानी इंस्ट्रक्शंस क्या कर रहे हैं? दे फैसिलिटेट लर्निंग, एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स. मैं अध्यापक की तरह कैसे बताऊंगा? इंस्ट्रक्शंस की मदद से. प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. वही तीन बातें इंस्ट्रक्शंस की मदद से प्रमोट होंगी. अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू सिचुएशंस. कहां कैसे करो? स्कूटर चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, क्लच दबाकर गियर बदलना है, एकेडमिक नॉलेज. इंस्ट्रक्शंस, पीछे सिखाने वाला बैठा है और ये स्किल आपको ट्रांसफर कर रहा है. वो बता रहा है कि क्लच दबाइए, गियर बदलिए, धीरे धीरे क्लच छोड़िए. इंस्ट्रक्शंस. अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू सिचुएशंस. इट फास्टर्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लर्निंग. इंस्ट्रक्शंस की मदद से आपको सुविधा हो जाती है, आप समझ पाते हैं कि कैसे करना है. और जब आपको सुविधा हो जाती है तो आपका मन करने लगता है. तो ये फॉस्टर करता है लर्निंग को, नॉलेज एक्विजिशन को. इट सपोर्ट्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट. अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, अगर कोई टीचर नहीं होगा, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, तो फिर ये पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट उतना आसान नहीं रह जाएगा. इसको सपोर्ट हम करते हैं. इट इंश्योर्स रेलेवेंस, एंगेजमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल. किसको कैसे बताएं, कैसे इंस्ट्रक्शंस दें तो वो समझ पाएगा, कौन सी भाषा में बात करें, भाषा में भी कौन किन शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, कौन कौन से शब्द दूसरे जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है, उसको समझ में आएंगे. Evaluate progress, provide feedback for improvement. Instructions में हम लगातार देखते रहते हैं कि जैसे बताया गया वैसे हुआ या नहीं हुआ, और बताते रहते हैं कि बेहतर कैसे होगा. तो मित्रों, ये हुआ education, teaching and instructions. आइए देखें कि teaching और instructions में अंतर क्या है. एक focus क्या है? टीचिंग का फोकस है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज और स्किल. जो जानकारी है, जो कुशलता है, कौशल है, वो ट्रांसफर हो जाए. और इंस्ट्रक्शंस का उद्देश्य क्या है, फोकस क्या है? डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस. कैसे बता दें, कैसे बता दें तो सीख जाएगा. लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे रिच हो जाए, लर्निंग एक्सपीरियंस ऐसा हो जाए कि विद्यार्थी सीखने में मन लगा पाए. ये हुआ फोकस. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स अ वन वे फ्लो फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट. जब टीचिंग हो रही है, इंस्ट्रक्शंस में फीडबैक भी है, यानी टू वे इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. दोनों तरफ से बातचीत होती रहेगी. आपने कहा क्लच दबाओ, आपने देखा क्लच दबाया जा रहा है या नहीं,
और वो बता सकता है क्लच कितना दबाए, दब रहा है कि नहीं दब रहा है, इत्यादि इत्यादि। तीसरा एस्पेक्ट है इम्फेसिस की। तो टीचिंग का इम्फेसिस क्या है, रोल ऑफ टीचर इन गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग लर्निंग, कैसे लर्निंग होगी, इसको गाइड करेगा, इसको डायरेक्ट करेगा। लेकिन इंस्ट्रक्शंस का इम्फेसिस क्या है, रोल ऑफ द लर्नर इन एक्टिवली इंगेजिंग विद एंड कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी अब दोनों मिल के कुछ कुछ कर रहे हैं और नॉलेज भी क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, ये स्ट्रैटेजीज यूज ऑफ लेक्चर्स प्रेजेंटेशंस एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, लेक्चर होता है, प्रेजेंटेशन होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। लेकिन इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स, कैसे करके दिखाएं, करके दिखा दें, कुछ उसको इन्वॉल्व कर लें, कुछ हम करें, कुछ वो करें, ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हमारी होती हैं। अगला फोकस है लर्निंग का, यानी अगला एस्पेक्ट है लर्निंग का, तो टीचिंग का एस्पेक्ट है टीचर सेंटर्ड। बस गुरु जी जो बता रहे हैं, गुरु जी जो कर रहे हैं, वो टीचर सेंटर्ड हो गया। और इंस्ट्रक्शंस में इट्स ए लर्नर सेंटर्ड। पर्पस क्या है टीचिंग का, इंपार्टिंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, और इंस्ट्रक्शंस का डिजाइनिंग एंड फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। सेटिंग कैसी है टीचिंग में, कैन अकर इन वेरियस सेटिंग्स सच एज फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड कोचिंग। आमतौर से आप जानते हैं क्लासरूम्स होते हैं, कुछ ऑडिटोरियम होते हैं, कुछ अब वीडियो होते हैं, जैसे ये हो रहा है। और इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा, बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स होंगी, कैन अकर इन वेरियस सेटिंग्स सच एज फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो ये हुआ मित्रों अंतर टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस में। ये तीनों चीजें एजुकेशन, टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस काहे के लिए हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, लर्निंग के लिए। तो ये लर्निंग क्या है, लर्निंग इज एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, मुझे जानकारी हो जाए, मुझे कौशल मिल जाए और मेरे पास एक वो मनोदशा हो जाए जिससे मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊं। दूसरी बात डेवलपमेंट ऑफ मेंटल मॉडल्स एंड स्कीमास, जब मैं कुछ समझता हूं विद्यार्थी की तरह तो मैं अपने ढंग से समझता हूं, मेरा कोई एक नक्शा बन जाता है, समझने का तरीका हो जाता है, काम कैसे करूंगा कोई स्कीम बना दी जाती है, किसके द्वारा, मेरी ही सोच के द्वारा, किसके लिए, मेरे लिए। तो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ मेंटल मॉडल्स एंड स्कीमास। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एजुकेशन की तरह लर्निंग भी जीवन पर्यंत चलती रहेगी। दिस इज मे बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, बहुत सारी लर्निंग हम जानबूझकर प्रयास करके सीखते हैं और बहुत सारी अनायास हो जाती है, हम यूं ही देख रहे हैं, यूं ही कुछ अनुभव कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख लिया, कुछ अपने से सीख लिया, कुछ दूसरों से सीख लिया। इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। एप्लीकेशन टू न्यू सिचुएशन इज रिक्वायर्ड, कैसे होगा, जब हम नई परिस्थिति में इसको लागू करेंगे। इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेशन, कॉग्निशन एंड एनवायरमेंट, मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं कितना मोटिवेटेड हूं, वहां से ये प्रभावित होगी। मैं कितनी तेजी से समझ पा रहा हूं, वहां से ये प्रभावित होगी। और मेरा आसपास का वातावरण कैसा है, उससे भी यह प्रभावित होगी। टीचिंग और लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज हैं और जिनकी मदद से हम लगातार सीखते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने समझा एजुकेशन, टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड लर्निंग। पर्पस क्या है कि इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल आए, बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए आते रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, तो उन सवालों को आप आसानी से हैंडल कर पाएं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।